नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सर है या अरविंद है। अरविंद सर बोलने की आदत पड़ गई, सब बच्चे बोलते हैं। मैं एक टीचर हूँ और आप जो चैनल देख रहे हैं वो अरविंद एकेडमी है। ये वीडियो टीचर्स के लिए है। मैंने करीबन 5-6 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि ऑनलाइन वीडियो कैसे बनाना चाहिए। कई टीचर्स ऐसा पूछते थे कि सर, आपकी जो 2 साल की या 2.5 साल की अब जर्नी हो रही है, इसमें आपने कैसे सीखा और क्या टिप्स हैं जिससे हम ऑनलाइन वीडियो बना सकते हैं। तो इस समय क्योंकि लॉकडाउन है, आप देख ही रहे हैं, घर में टीचर्स हैं और कई टीचर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे ऑनलाइन वीडियो बनाने चाहिए। उस स्कूल से भी कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो बना के बच्चों को दिया जाए, और वैसे भी कई लोग ऑनलाइन टीचिंग करना भी चाहते हैं। कुल मिला के इस समय ऑनलाइन कैसे हम लेक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पे सवाल खड़ा हो जाता है। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं दे दूंगा, गैजेट्स फॉर टीचर्स है, अच्छा वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि नॉर्मल डेज किन किन चीजों का इस्तेमाल करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एक अच्छा वीडियो। लेकिन आज के समय में, आज की बात जो मैं करूं उस बात को देखते हुए, हमारे पास तो दुकानें भी खुली नहीं है, तो दुकानें यानी कोई चीज मंगा नहीं सकते हैं, दुकान पे जाके ले नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम कैसे वीडियो जनरेट कर सकते हैं टीचिंग के, बच्चों की भलाई के लिए, और जो हम चाहते भी हैं करना। तो पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपको लेक्चर्स बनाने ही हैं, तो रास्ता मिल जाएगा, जहां चाह वहां राह, ये बहुत जरूरी बात है। तो अभी आपके हाथ में जो चीज अवेलेबल पक्की तौर पे होगी वो है ये मतलब ये मोबाइल। तो मोबाइल तो आपके पास में ही है, और आज के जमाने में जो मोबाइल है वो बहुत शक्तिशाली टूल हो चुका है अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कि कैसे आप कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल से आपको रिकॉर्ड करना है तो दो बेसिक चीज, क्योंकि अभी तो आप इसमें लगने वाला जो माइक होता है वो भी बाजार से नहीं ले पाएंगे, तो वो भी हटा देते हैं। शुद्ध मोबाइल की बात करते हैं कि ऐसे लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मोबाइल को रिकॉर्ड करने के लिए अभी जब कहीं नहीं जा सकते, तो देखिए मैंने एक टूल बहुत पहले बनाया था, वो यहाँ ये मैंने निकाला था, आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ, आप हंसेंगे लेकिन जुगाड़ तो करना ही पड़ता है अगर कुछ पढ़ाना है। तो ये देखिए एक बॉक्स है, आप देख पा रहे हो, डब्बा है ये मोबाइल का, भी डब्बा, एक मोबाइल मैंने मंगाया था, एक दो मोबाइल मंगाए थे, तो उसका ये डब्बा है। आपके पास ये डब्बे घर में पड़े मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई डब्बा मिल जाएगा, प्लास्टिक का डब्बा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा आप कर लेंगे। और ये देखिए, ये विंडो मैंने यहाँ काट के निकाल दी है, थोड़ा सा मजेदारी से बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपको बुरा ना लगे। तो ये थोड़ा सा काट दिया जहाँ पे कैमरा फिट किया जा सकता है। और पीछे मेरे घर में एक स्केल पड़ी हुई थी, 1 फिट की स्केल है स्टील वाली, आप देख पा रहे होंगे ना, वो लगा दी, क्योंकि कहाँ से कटवाता, मैं थोड़ा शौक भी रखता हूँ, पेन स्केल से इकट्ठा करता रहता हूँ। तो ये मैंने ग्लू गन से जोड़ दिया है, ग्लू गन। तो अगर आपके पास ग्लू गन है तो उससे जोड़ दीजिए, अब ग्लू गन नहीं है तो आप किसी भी चीज से फंसा सकते हैं, यहां तक कि इसमें छेद करके अगल बगल किसी तार से टाइट कर देंगे तो भी फंस जाएगा ये। कुल मिला के यहाँ टिकाना है, तो ग्लू गन मैंने लगा दी थी, अभी स्ट्रांग हो चुका, कहीं जा नहीं रहा है, तो ग्लू गन है तो ग्लू गन इस्तेमाल कर लीजिए। ग्लू गन नहीं है तो आप दोनों तरफ छेद करके किसी तार से आप बांध सकते हैं, मजबूती से बन जाएगा। अब ये हमारी एक बड़ी काम की डिवाइस हो गई है, और कैसे इससे आप लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे मैं बताता हूं, थोड़ी जानकारी मैं आपको अभी दे दूं। ये मोबाइल रखा है, देखिए करने में क्या वाला हूं कि घर में टीचर हैं तो बुक्स तो होंगी ही होंगी, तो बुक्स का एक मैं ढेर लगा दूंगा इधर, 7-8-10 बुक्स का, और उसके ऊपर ये जो डब्बा है ना, ये मोबाइल, ये जो देखिए ऐसे इसके अंदर मोबाइल चला जाएगा, ये मोबाइल चला गया, और इधर से देखिए इसका कैमरा दिख रहा है ना, और ऐसे रख के रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। तो चलिए चलिए आपको थोड़ा मैं जुगाड़ करके दिखाता हूँ, थोड़ा आपको कोशिश करूंगा कि बेहतर ढंग से दिखाऊं। मैं इस वीडियो में एडिटिंग कम से कम करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा लाइव जैसी प्रथा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज कीजिएगा। वैसे मैं सारी बातें आपको बढ़िया से दिखाऊंगा जरूर साहब। तो जैसे कि ये देखिए, ये मैं ऐसे लेता हूँ, ये देखिए डब्बा लगा हुआ है ना मेरे, एक हाथ तो इसको पकड़ने में फंसा हुआ है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, देखिए ये मैं दिखाता हूँ लगा के, ऐसे आपको अंदाजा देने के लिए, ये देखिए, ये आप कुछ देख पा रहे होंगे शायद, ये देखिए ऐसे लगा, नहीं मोबाइल लटका हुआ यहाँ पर, और नीचे मैंने रजिस्टर रखा, ये आप शायद देख पा रहे हो, ये रजिस्टर है, ये ऊपर मोबाइल है।
अब इस रजिस्टर में जो मोबाइल लगा हुआ है, देखिए कुछ नहीं करना, ये तो बेसिक चीज है। अब इसी मोबाइल में मैं इसको ऑन करने का प्रयास करूंगा, ऑन तो आप कर ही लेंगे, ये देखिए ऑन कर लिया। आप इस मोबाइल को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ आप कंफर्टेबल हों। और ये मैंने इसको खोल दिया मोबाइल को, और ये मैंने कर दिया साहब इसका कैमरा चालू। तो देखिए इस कैमरे के अंदर से ही आपको दिख रहा है ना, रजिस्टर दिख रहा होगा नीचे, देखिए ये रजिस्टर दिख रहा है। बस आपको साफ कुछ नहीं करना है, ये देखिए है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ और करीब लाने के लिए। अब यहाँ पे लिखिए जैसे आपने लिखा, पढ़ाने लगे आप बच्चों को, बोले कि भाई मैं ऑनलाइन टीचिंग की क्लास लेने वाला हूँ। जैसे आपको थोड़ा मैं खड़ा हूँ तो लिखने में दिक्कत आ रही है, और कोई भी चीज़ आप लिखेंगे जैसे कोई फिगर अगर बनाएंगे बाय द वे, तो सारी बात मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कुछ भी लिखिए, थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। एक पेन के कलर की जगह दूसरा भी पेन था, ब्लू कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये नोटिफाई वगैरह कर दीजिए। इस तरह से पूरा पढ़ाते चले जाइए आप, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। देखिए है ना, इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, आप देख पा रहे हैं मैं पास ला रहा हूँ, है ना। बस अब इस तरीके से वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। अब ये जब वीडियो सब आप रिकॉर्ड कर, आप समझ गए होंगे ना, ये सेटअप देखिए, दूर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा सेल्फी कैमरे के मोड में हूँ, खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरा कहाँ जा रहा है। ये देखिए ये सेटअप है, ये किताबों का ढेर लगा रखा है, ये देखिए इसी किताब में फंसा दीजिए, कुछ ज़्यादा भारी मोबाइल थोड़ी होता है, और एक किताब में ये अटक जाएगा, और इस सेटअप से, इस जुगाड़ से आप इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आइए मैं आगे समझाता हूँ आपको, बड़ी आसानी सी बात है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करके मैं पूरा आपके साथ लाइव जैसी बात कर रहा हूँ। तो ये जुगाड़ आपने देखा, ये टूल बड़ा, भाई हम लोग तो साइंस वाले आदमी हैं और इतना तो जुगाड़ करना आता ही है अपने को, तो ये इसको आप जुगाड़ बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि बाजार खुले नहीं हैं तो आप जाएंगे कहाँ। अब जब ये वीडियो बना लेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक ही दफे में या एक ही बार में पूरा फर्स्ट क्लास वीडियो आप तैयार कर ले जाएं, ये भी मुश्किल आती है, तो आपको वीडियो एडिट करना होगा। तो एडिट करने के लिए काइन मास्टर एक ऐप होता है, आप इसमें मैं कोशिश करूं, पता नहीं कितना, देखिए गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए आप, कोई करना नहीं है, देखिए प्ले स्टोर में पता नहीं दिख पा रहा, नहीं दिख पा रहा, प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए काइन मास्टर, KINE, नहीं दिख रहा है आपको मेरे ख्याल से, काइन मास्टर, ऐसे काइन मास्टर आप करेंगे तो इस तरीके से आपको, देखिए शायद फोकस कर ले जाए, उसे फोकस कर नहीं पाएगा ये, तो काइन मास्टर एक आपको ऐप मिल जाएगा, और उससे आप, ये फ्री का ऐप है, इसमें बस जब फ्री का आप वर्जन लेते हैं तो काइन मास्टर के नीचे लोगो होता है, शुरू में तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत, तो वो आप कर लीजिएगा, और जब आप सीख जाइए तो 250-250 रुपये महीना ये लेता है, शुरुआती दौर में आपका फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। तो वहां से वीडियो रिकॉर्ड कर लें आप, कुछ भी देखिए बाजार से नहीं लेना पड़ा, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें, बिल्कुल रजिस्टर पे तो लिखते आए हैं आप, और जनरेट कर लें सारी चीजें, जब वो जनरेट हो जाए पूरी काइन मास्टर पे अच्छी तरीके से, जब जनरेट पूरा हो जाए तो वीडियो से एडिट कर लें। मान लीजिए कोई चीज लगाते वक्त गलत हो गई है, कुछ गलत समझा दिया, कुछ गलती हो गई, इंसान है, हर आदमी से गलती हो सकती है, या आप कुछ चाहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर देना चाहिए, तो आप इसको काट पीट के निकाल दीजिए, जनरेट कर दीजिए वीडियो, वीडियो तैयार हो गया। उसके बाद आप इस वीडियो को अगर आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा ना, 64 MB से ज्यादा फाइल जाती नहीं है, मान लीजिए बच्चों ग्रुप बनाया आपने तो वहां पे ऐसे जाएगी नहीं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल एक बना लीजिए, बड़ा 2 मिनट में बन जाता है, और वहां पे इसको चढ़ा दीजिए और लिंक बच्चों को शेयर कर दीजिए, बच्चे आराम से देखेंगे, आपकी क्लास कंडक्ट होती रहेगी, और बाकी स्कूल वाले भी कुछ अगर स्कूल में दे रहे हैं वीडियो तो उनसे समझ लें कि क्या उन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। तो ये एकदम बेसिक, ये मैं बिल्कुल जो वीडियो है ये लाइव की तरह ही कर रहा हूँ, तो कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। आजू बाजू कुछ लोग सब्जी वब्जी भी बेचने निकले हुए हैं आजकल, तो उनकी आवाज भी आ रही होगी, लेकिन मुद्दा ये था कि जल्दी से मैं आपको बता सकूं कि देखिए जहाँ चाह वहां रहा। इससे मैंने खुद एक दो वीडियो शुरू में रिकॉर्ड किए, उसके बाद मैंने ट्राईपॉड वगैरह ले लिया, और ये एक MI का भी बड़ा अच्छा ट्राईपॉड आता है जिसमें मैंने लगा रखा है, वो सब तो बात की बातें हैं, तो वो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है अभी। अभी तो इन 10-15-20 दिनों में जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक साहब बोला है, अब 14 अप्रैल तक बोला है, लेकिन गारंटी नहीं लगती कि 15 अप्रैल को सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कब ये 14 अप्रैल की जगह 28 अप्रैल चला जाएगा, तो बैठे बैठे दिन भर काटने से, समय काटने से कोई लाभ नहीं है। वीडियो बनाइए, बच्चे भी अप्रिशिएट करेंगे आपके वीडियो को, उनको उनका भी पढ़ाई आगे बढ़ाएगा और आप उनकी मदद कर सकेंगे। और दूसरा, मैं एज ए टीचर से भी अपील करूंगा साहब कि आपके पास जो समय बच रहा होगा, बिल्कुल बच रहा होगा, इतना समय तो घर ही में जा रहा है, तो आप भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। देखिए बड़ा शानदार मौका है, जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है ना,
मैं एक वीडियो देख रहा था और समाचार में भी शिव खेरा जी ने बताया था, वही बातें आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि सिंगापुर की गवर्नमेंट जब बंद किया भाई, लॉकडाउन टाइप का सिचुएशन हो गया, सब लोग डरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा घर पर ही आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए। स्किल डेवलपमेंट का है कि जो चीजें आप और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास किताबें हैं एज ए टीचर, तो आप किताब से वो टॉपिक ले लें जो आप और रिफाइन करना चाहते हैं या और उसके अंदर घुसना चाहते हैं, तो जब स्कूल खुलेगा दोबारा तो आप वो चीज एक्वायर कर चुके होंगे। तो ये जो समय है, ये समय क्या सदुपयोग हम लोग कर लेंगे एज ए टीचर भी? बच्चों को तो हम लोग कहते ही कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, हम भी पढ़ें भाई। टीचर सीखेगा नहीं तो सिखाएगा क्या, है कि नहीं? तो बच्चों को जितना सिखाना जरूरी है उतना टीचर को भी तो सीखना जरूरी है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप भी जरूर देखिए, और आजकल ऑनलाइन का जमाना है और नई नई चीजों को सीखिए। चीजें नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कभी नहीं आएंगी, आप सीखेंगे तो क्यों नहीं आएंगी। मुझे 2.5 साल पहले मैंने ABCD नहीं बताया कैसे वीडियो बनता है, और देखिए अब तो मैं बहुत कुछ बना लेता हूँ, बहुत कुछ सीख भी गया हूँ। और वो वीडियो जो था गैजेट्स फॉर टीचर्स, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर देखिए, उससे आपको अच्छा भी लगेगा और मैंने अच्छे से थोड़ा समझाया है। फिर जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि पूरा सेटअप दिखाते हुए कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपको लगा हो कि फ्रूटफुल है तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार। ईश्वर करे आप खूब बच्चों की भला करें और उसके साथ अपना भी भला करें, अपने परिवार की भी भला करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर।